गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज वीकेंड है और आज धूप निकली हुई है, अच्छा सा मौसम है। तो ये मेरा बैकयार्ड है, काइंड ऑफ छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे थोड़े से प्लांट रखे हैं। ये देखिए मेरा ऑनियन है और बाकी तो खराब सूख गए, काफ़ी कुछ मैंने अंदर कर लिए हैं। और यहाँ पर हमारा बारबेक्यू का वो रखा हुआ है और वियान का स्कूटर। तो आज छुट्टी है, कोई ऑफिस है नहीं, तो बच्चों को देखते हैं क्या करना है। वियान बहुत दिनों से बोल रहा है कि उसको ट्रैम्पोलिन पार्क जाना है, तो शायद उसको आज ट्रैम्पोलिन पार्क लेकर जाएंगे और फिर बाहर कुछ खिला पिला देंगे बच्चों को। तो एक प्रकार से अब उनकी दो दिन के बाद स्कूल भी खुल रहे हैं, तो दे विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो दो दिन बचे और जितना उनको फ़न करवा सकते हैं देखते हैं। और आज वियान की हेयर कट के लिए भी जाना है, राइट। उसके बाल बहुत बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े हो गए, तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे हेयर कट होता है, कितने पैसे लगते हैं और किस टाइप का सलून होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हेयर कट के लिए हमारे इंडिया में जैसे शॉप्स होती है, नाई की दुकान होती है, आप चले जाओ बाल कटवा लो, इट्स नॉट लाइक ओवर हियर। यहाँ पे चेन ऑफ ग्रुप होता है, तो मतलब आप चले जाओ। दो तीन के नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लिप है, ग्रे क्लिप्स है और भी कुछ कुछ होते हैं, तो आप उसमें जाकर ऑनलाइन आप चेक इन कर दो। तो जैसे मैंने अभी ऑनलाइन चेक इन कर दिया है, मुझे मिला है 10:37 का कुछ, तो भी तो 37 मिनट वेटिंग टाइम था, तो फिर मुझे वहाँ जाकर वेट नहीं करना पड़ेगा और बस मैं जाऊँगी और वियान के बाल काट देंगे। और यहाँ पर एक और वो रहता है कि हमारा अकाउंट रहता है उसमें, तो वियान के जब हेयर कट होता है उसकी हिस्ट्री रहती है कि कौन से नंबर का ब्लेड लास्ट टाइम यूज़ किया था, तो उसका मुझे याद नहीं है बट उसमें रिकॉर्ड में है। तो जाओ तो ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वो वाला ब्लेड करके मशीन से यहाँ तक काट देते हैं और फिर यहाँ पे सीजर यूज़ करते हैं, तो इट्स वेरी क्विक एंड फास्ट। बट अच्छा रहता है कि ज़्यादा हर बार एक्सप्लेन नहीं करना और कट जाता है। तो देखिए यहाँ अंदर से ऐसा दिखाई देता है, साइड में कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं विच यू कैन बाय ऑल्सो फॉर योर हेयर केयर, और शैम्पू है, जेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो पूरी शॉप रहती है इसको डिवाइड कर देते हैं पांच छह लोके उस पर स्टेशन्स में, और आदमी और औरतें दोनों यहाँ पे हेयर कट करते हैं, मोस्टली वुमेंस करती हैं। आज वियान का एक मैन कर रहे हैं, ही इज़ वेरी गुड। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आस्क योर चॉइस ऑफ पर्सन ओवर हेयर ऑल्सो। कट हो गया वियान, डिड यू लाइक इट? हाँ बट इट वॉज एटलीस्ट बेटर, राइट। तो आज के हेयर कट के पैसे लगे हैं $20, मतलब $18 था चार्जेस, और यहाँ पे टिप देना ज़रूरी होता है, तो आई गेव $2, तो $20 का बिल आया, विच वॉज मिनिमल, राइट। यू नो मतलब इससे कम तो नहीं आपके कहीं भी बाल कटेंगे। फिर आप स्पोर्ट्स क्लब में जाओगे और ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा उसमें जाओगे तो ज़्यादा रहेगा, तो इतना पैसा एक टाइम के हेयर कट का यहाँ जाता है। पर ठीक है यार, ठीक ठाक काट देते हैं बाल और ज़्यादा पंगे नहीं रहते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन थोड़ा लेते हैं हम लोग स्पेशली विद द किड्स, कि कहीं कटवट नहीं लगता है बच्चों को, तो विच इज़ गुड। अब चलते हैं, देखते हैं ये नहा वहा लें भाई साहब, उसके बाद कहाँ जाना है वियान आज? ट्रैम्पोलिन पार्क। तो वियान को आज ट्रैम्पोलिन पार्क ले जाएंगे, बहुत दिनों से बोल रहे हैं। हम सब लोग बीमार चल रहे थे, पहले मैं बीमार थी, फिर बच्चे बीमार थे, मतलब पहले वियान रेवा थी, फिर वियान बीमार हो गया, तो इन लोग को उस टाइप के उधम वाले काम चीज़ नहीं करवा पाए, बट अब लेकर जाते हैं, देखते हैं कैसा है ट्रैम्पोलिन पार्क यहाँ का। बहुत सारे हैं तो अलग अलग जगह पर है, आज ले जाते हैं जहाँ से हम लोग फिर कुछ खा पी भी लेंगे। मिलते हैं आपसे ट्रैम्पोलिन पार्क में। तो हम लोग पहुँच गए हैं इंडोर ट्रैम्पोलिन पार्क, का नाम है स्काई जोन। आर यू एक्साइटेड? यस। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लेसेस हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप स्टेशन बने हुए जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। पहले वियान था जिसमें उसको वॉक करके जाना था, हैंगिंग वाला, इसमें बैठकर उसको ऐसे अलग अलग उसमें जाना है। यहाँ पे रेवा और वियान जंप कर रहे हैं, सो ऐसे बहुत सारे जगह बनी हुई है। इसकी पर हेड एक बच्चे की जो टिकट है इट इज़ $25 अराउंड। और यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं और अलग अलग पास की फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक आप ईयरली आओगे तो ईयरली अलग से देंगे, उसका पैकेज आई थिंक 29 पड़ता है और अलग से कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है, एंड यू कैन हैव योर बर्थडे पार्टीज़ ओवर हियर। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस, मतलब आने के लिए बच्चों के साथ में इंडोर, तो छोटे बड़े सारे आ सकते हैं। हम देखिए जिप लाइन एरिया है, यहाँ पे वियान ऐसे जाएगा, नीचे पूरे में थर्माकोल के वो पड़े हुए हैं
और इट्स अ वेरी सेफ एंड नाइस प्लेस. ये रेवा आ गई. तो यहाँ पे बच्चों ने आज काफ़ी इन्जॉय किया. और ये बास्केटबॉल का भी हूप बना हुआ है, तो इसमें आप नीचे जंप कर रहे हैं और ऊपर बास्केटबॉल के इसमें से बॉल को डाल रहे हैं. सो ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू हैव, यू कैन लाइक गुड प्लेस टू हैव अ फन विद योर किड्स. तो यहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ पर कि वो सामने चेक इन काउंटर है, इधर पेरेंट्स के बैठने के लिए जगह बनी हुई है. यदि बच्चे खेल रहे हैं तो आप बैठ सकते हो आराम से. और इधर खाने पीने के लिए भी थोड़ा सा सामान है, लाइक चिप्स है, कोक है, काइंड ऑफ दोज थिंग. तो आप बैठो यहाँ पे आराम से खा सकते हो. और थोड़े से गेम्स भी लगा रखे हैं, दोज किड्स वहाँ जाकर आप खेल भी सकते हो, उस टाइप के गेम खेल सकते हैं. और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी होते हैं, उनके अलग से पैकेज होते हैं. तो स्पेशली फॉर बॉयज़ या गर्ल्स इट्स अ गुड प्लेस. आपको कुछ नहीं करना होता है, आप जस्ट पेमेंट कर दो पर हेड के हिसाब से और आओगे तो दे विल सर्व यू द फूड एज वेल एज द गेम. और एक टेबल दे देते हैं वेयर यू कैन कट द केक्स. और बाहर से कुछ सामान जनरली लाने की परमिशन नहीं करते, बट एक दो आइटम यू कैन ब्रिंग इट. सो सी देयर इज अ पार्टी रूम. सो देयर इज अ रूम वेयर यू कैन गो एंड कट द केक एंड किड्स कैन प्ले फॉर जो भी आप टाइम स्लैब देते हो अकॉर्डिंग टू दैट किड्स कैन प्ले ओवर हियर. तब हम लोग आ गए हैं इंडियन पिज़्ज़ा शॉप में. इसका नाम क्या है? पिज़्ज़ा ट्विस्ट. पिज़्ज़ा ट्विस्ट, राइट. तो ये भी चेन है यूएस में. यहाँ पर है शार्लेट में, राले में है और एक दो जगह और है. यहाँ पर इंडियन स्टाइल का पिज़्ज़ा मिलता है. देखिए इसमें पनीर है और कहीं नहीं मिलेगा. यहाँ के डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में इंडियन पिज़्ज़ा नहीं मिलता है. दिस इज़ small size is much more bigger compared to India one. Kitna inch hai? 10 inch hai small size. $18 or $50 or ye shayad $9 ya phir $8. So this is, and this is the shop over here. To hum log bahar se wapas aa gaye hain. Sham ka time ho gaya hai aur hum apni chai pee rahe hain. Chai aur makhana. Aur ye bhai sahab ne baithi hui hai. Vian is riding bike outside. क्योंकि अभी थोड़ी सी, अभी कितना बज रहा है? 4:30 बज रहा है. तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बट तब तक थोड़ा सा कम से कम साइकिल चला सकता है या खेल सकता है. तो ही इज़ राइडिंग बाइक आउटसाइड. ये देखिए, पता नहीं कहाँ चलाता है, कहाँ देखता है, कहाँ करता है. बी एंड राइड नाइसली प्लीज. तो आज का ब्लॉग ऐसा था. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. And if you have any suggestion, please give it to us. And yeah, please like and subscribe so I can make good videos like this. Okay, bye guys.